रियलमी एक्स सेवन प्रो जो कि अभी रिसेंटली इंडिया में लॉन्च हुआ है और काफ़ी सारे लोगों का कहना है कि ये ओवर प्राइज्ड फ़ोन है, क्योंकि इसकी प्राइस दोस्तों इंडिया में 29,999 देखने को मिल जाती है और उस प्राइस में आपको 8GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाता है। लेकिन सेम वही प्राइस पॉइंट पर आपको इंडिया में Vivo V20 Pro 5G मोबाइल भी देखने को मिल जाता है 29,999 में। तो आज के इस वीडियो में हम इस दोनों मोबाइल के बीच में कंपैरिजन करेंगे कि कौन सा मोबाइल 30,000 की प्राइस में आपके लिए बेस्ट रहने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में गाइज मैं सभी पॉइंट को आप कवर करने वाला हूँ। तो वीडियो गाइज बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए गाइज आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले गाइज बात करते हैं इन दोनों मोबाइल के बिल्ड और डिजाइन क्वालिटी के बारे में। तो यहाँ पर दोनों ही मोबाइल में आपको ग्लास बैक देखने को मिल जाता है और इसके अलावा अगर यहाँ पर रियलमी एक्स सेवन प्रो की बात की जाए तो यहाँ पर वेट जो है वो 187 ग्राम्स का है और 8.5 mm का थिकनेस आपको देखने को मिल जाता है। इसके अलावा अगर यहाँ पर वीवो V20 प्रो की बात करें तो यहाँ पर भी आपको ग्लास बैक देखने को मिल जाता है और 171 ग्राम्स वेट देखने को मिलता है और 7.39 mm का थिकनेस आपको देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर बहुत ही ठीक है दोस्तों, Vivo V20 Pro थिकनेस के मामले में दोस्तों बीट कर देता है Realme X7 Pro को। इसके अलावा दोस्तों अगर यहाँ पर बात की जाए पोर्ट्स और बटन्स की तो दोनों ही मोबाइल में दोस्तों आपको 3.5 mm का ऑडियो जैक जो है वो देखने को नहीं मिलता है। और यहाँ पर अगर Realme X7 Pro की बात करें तो यहाँ पर राइट साइड में आपको पावर ऑन ऑफ बटन देखने को मिलते हैं, लेफ्ट साइड में आपको वॉल्यूम बटन देखने को मिलते हैं और नीचे की साइड में आपको सिम कार्ड स्लॉट देखने को मिलता है जो कि एक नैनो सिम कार्ड स्लॉट है। इसका मतलब यहाँ पर आप स्टोरेज को एक्सपेंड नहीं कर पाएंगे। और वहीं अगर Vivo V20 Pro की बात करें तो यहाँ पर भी आपको ऑडियो जैक तो देखने को नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पर राइट साइड में ही आपको वॉल्यूम बटन और पावर ऑन ऑफ बटन देखने को मिल जाता है और यहाँ पर नीचे की साइड में आपको सिम कार्ड स्लॉट देखने को मिलता है जो कि नैनो सिम कार्ड स्लॉट है। इसका मतलब यहाँ पर भी आप स्टोरेज को एक्सपेंड नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर अगर दोस्तों इस दोनों मोबाइल के डिस्प्ले की बात की जाए तो दोनों ही मोबाइल में आपको डिस्प्ले काफ़ी तगड़ा देखने को मिल जाता है। यहाँ पर बात करें Realme X7 Pro की तो यहाँ पर आपको 6.55 inch का सुपर एमोलेड फुल HD+ डिस्प्ले देखने को मिल जाता है और साथ में आपको 120Hz का फास्ट रिफ्रेश रेट दोस्तों देखने को मिल जाता है। और ये डिस्प्ले दोस्तों डिस्प्ले के साथ आपको गोरिल्ला ग्लास 5 का सपोर्ट देखने को मिलता है, HDR10+ का सपोर्ट है, उसके अलावा 1200 nits का दोस्तों ब्राइटनेस आपको देखने को मिल जाता है। तो Realme X7 Pro का डिस्प्ले जो है दोस्तों काफ़ी ब्राइट देखने को मिल जाता है। यहाँ पर अगर Vivo V20 Pro की बात करें तो यहाँ पर आपको 6.44 inch का फुल HD+ सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर आपको फास्ट रिफ्रेश रेट दोस्तों देखने को नहीं मिलता है, ओनली 60Hz का ही आपको यहाँ पर रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर भी दोस्तों गोरिल्ला ग्लास 5 का आपको सपोर्ट देखने को मिलता है, HDR10+ सपोर्टेड है और यहाँ पर आपको 600 nits का ब्राइटनेस देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर ब्राइटनेस के मामले में दोस्तों Realme X7 Pro आगे निकल जाता है Vivo V20 Pro। और यहाँ पर आपको रिफ्रेश रेट भी दोस्तों ज़्यादा देखने को मिल जाता है, तो डेफिनेटली डिस्प्ले के मामले में दोस्तों Realme X7 Pro यहाँ पर क्लियर विनर देखने को मिल जाता है। चलिए अब बात करते हैं इन दोनों मोबाइल के प्रोसेसर के बारे में। तो यहाँ पर Realme X7 Pro में आपको Dimensity 1000+ वाला 5G प्रोसेसर देखने को मिलता है जिसका अंतुतु कोर लगभग 540,000+ आपको देखने को मिलता है। वहीं Vivo V20 Pro में आपको Qualcomm Snapdragon 765G वाला प्रोसेसर देखने को मिल जाता है और इसका अंतुतु स्कोर 325,000+ देखने को मिल जाता है। दोनों ही प्रोसेसर दोस्तों 5G प्रोसेसर है, लेकिन यहाँ पर अगर विनर की बात करें तो यहाँ पर क्लियर विनर है दोस्तों Realme X7 Pro, क्योंकि Dimensity 1000+ वाला जो प्रोसेसर है वो गाइस काफ़ी पावरफुल है स्नैपड्रैगन के 765G से। जो ये स्नैपड्रैगन का 765G प्रोसेसर है वो भी गाइस काफ़ी कैपेबल है, लेकिन यहाँ पर Dimensity 1000+ के मुकाबले में दोस्तों थोड़ा सा पीछे ज़रूर रह जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों क्लियर विनर है Realme X7 Pro। यहाँ पर अगर दोस्तों स्टोरेज टाइप की बात करें तो यहाँ पर दोनों ही मोबाइल में आपको 8GB रैम और 128GB वाला एक ही वेरिएंट दोस्तों दोनों मोबाइल में आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पर रैम टाइप की बात करें तो LPDDR4X रैम देखने को मिलती है दोनों ही मोबाइल में, और स्टोरेज टाइप की बात करें तो UFS 2.1 दोनों ही मोबाइल में आपको स्टोरेज टाइप देखने को मिल जाता है। चलिए अब बात करते हैं दोनों के बैटरी परफॉर्मेंस की। तो यहाँ पर आपको Realme X7 Pro में 4500 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है और साथ में आपको 65W का फास्ट चार्जिंग देखने को मिल जाता है जो कि करीब 35 मिनट में ही आपके मोबाइल को 0 से 100% चार्ज कर देगा। वहीं अगर Vivo V20 Pro की बात करें तो यहाँ पर आपको 4000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है और साथ में 33W का फास्ट चार्जिंग देखने को मिल जाता है।
जो कि करीब 55 मिनट में ही आपके मोबाइल को 0 से 100% चार्ज कर देगा। तो यहाँ पर बैटरी के मामले में भी दोस्तों क्लियर विनर निकल कर आता है Realme X7 Pro। लेकिन यहाँ पर Vivo V20 Pro में भी दोस्तों आपको बैटरी बहुत ही अच्छी देखने को मिलती है। यहाँ पर फास्ट चार्जिंग आपको थोड़ा सा कम देखने को मिलता है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर अगर बात करें इन दोनों मोबाइल के कैमरा के बारे में, तो Realme X7 Pro में आपको पीछे की साइड में क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, जहाँ पर सबसे पहला मेन सेंसर है 64 मेगापिक्सल का, जो कि Sony IMX686 वाला सेंसर है दोस्तों। और उसके अलावा 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है, 2 मेगापिक्सल का डेफ्थ, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर है। और यहाँ पर 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा आपको फ्रंट साइड में देखने को मिल जाता है। और वहीं अगर बात करें Vivo V20 Pro की, तो यहाँ पर आपको बैक साइड में ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, जहाँ पर 48 मेगापिक्सल का आपको मेन सेंसर देखने को मिल जाता है, और वहीं 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो देखने को मिल जाता है। और सेल्फी कैमरा दोस्तों यहाँ पर आपको ड्यूल सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है, पहला है 44 मेगापिक्सल का, उसके बाद 8 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड। और यहाँ पर अगर दोस्तों बात करें इन दोनों मोबाइल के कैमरा के क्वालिटी के बारे में, तो यहाँ पर दोस्तों Vivo V20 Pro थोड़ा सा आगे निकल जाता है Realme X7 Pro से, क्योंकि उसका कैमरा आपको थोड़ा सा दोस्तों बेटर देखने को मिलता है, खास करके सेल्फी कैमरा दोस्तों काफ़ी ज़्यादा आपको बेटर देखने को मिल जाता है। और बाकी अगर यहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग्स की बात करें, तो दोस्तों Realme X7 Pro में आप सेल्फी कैमरा के साथ दोस्तों 1080p 30 FPS पर रिकॉर्ड कर पाएंगे। उसके अलावा यहाँ पर आपको पोर्ट्रेट वीडियो का भी एक अलग से दोस्तों ऑप्शन देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर अगर बैक साइड के कैमरे की बात करें, तो उससे आप दोस्तों 4K 60 FPS तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे। और वहीं अगर दोस्तों Vivo V20 Pro की बात करूँ, तो यहाँ पर आप सेल्फी कैमरे से 4K 30 FPS तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे, और बैक साइड के कैमरे से भी आप 4K 30 FPS तक रिकॉर्ड कर पाएंगे। तो यहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग के मामले में दोस्तों दोनों ही मोबाइल काफ़ी ज़्यादा बेटर है। लेकिन मैंने जैसे पहले कहा कि कैमरा की जो क्वालिटी है, वो गाइस आपको Vivo V20 Pro में ज़्यादा बेहतर देखने को मिलने वाली है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर अगर इन दोनों मोबाइल के OS और UI की बात करें, तो Realme X7 Pro में आपको Realme UI 1.0 देखने को मिलता है, जो कि Android 10 पर बेस है, और Vivo V20 Pro में आपको Fun Touch OS 11 देखने को मिलता है, जो कि Android 11 पर बेस है। तो यहाँ पर OS के मामले में दोस्तों यहाँ पर Vivo V20 आगे निकल जाता है Realme X7 Pro से, क्योंकि यहाँ पर Android 11 आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पर अगर दोस्तों सेंसर की बात करें, तो दोनों ही मोबाइल में दोस्तों सभी सेंसर देखने को मिल जाते हैं, फिर वो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट या फिर फेस अनलॉक, सभी सेंसर दोस्तों आपको दोनों ही मोबाइल में देखने को मिल जाता है। उसके अलावा अगर यहाँ पर दोस्तों कनेक्टिविटी की बात करें, तो यहाँ पर दोनों ही मोबाइल 5G है, तो यहाँ पर Realme X7 Pro में आप दोनों ही सिम दोस्तों 5G यूज़ कर पाएंगे, ड्यूल 5G सिम का आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है। उसके अलावा वाईफाई कॉलिंग है, ब्लूटूथ 5.0 है और वाईफाई 6 है। वहीं अगर Vivo V20 Pro की बात करें, तो यहाँ पर भी आप 5G सिम यूज़ कर पाएंगे, क्योंकि ये भी एक 5G फ़ोन है, और यहाँ पर भी आप वाईफाई कॉलिंग वगैरह कर पाएंगे, ब्लूटूथ 5.1 है, वाईफाई 6 है। तो दोनों ही मोबाइल में दोस्तों कनेक्टिविटी के मामले में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। उसके साथ यहाँ पर अगर 5G बैंड के सपोर्ट की दोस्तों बात करें, तो दोनों ही मोबाइल दोस्तों काफ़ी सारे 5G बैंड्स को सपोर्ट करता है, मतलब जितने भी 5G के बैंड्स है उन सभी को दोस्तों सपोर्ट करते हैं दोनों ही मोबाइल। तो दोनों ही मोबाइल गाइस फ्यूचर प्रूफ है, आगे जाकर किसी भी बैंड के साथ दोस्तों 5G इंडिया में आता है, तो दोनों ही मोबाइल में आप यूज़ कर पाएंगे किसी भी बैंड के साथ दोस्तों। उसके अलावा अगर यहाँ पर दोस्तों बात करें मल्टीमीडिया की, तो दोनों ही मोबाइल में आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, तो व्यूइंग एंगल्स और कलर्स दोनों ही मोबाइल में आपको काफ़ी ज़्यादा दोस्तों अच्छे देखने को मिल जाएंगे। लेकिन इसके अलावा दोस्तों Realme X7 में आपको स्टीरियो स्पीकर्स देखने को मिल जाते हैं, जबकि Vivo V20 Pro में आपको सिंगल स्पीकर्स देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर ऑडियो क्वालिटी के मामले में दोस्तों आगे निकल जाता है Realme X7 Pro। और यहाँ पर अगर दोस्तों बात करें इस दोनों मोबाइल के परफॉर्मेंस के बारे में, तो Realme X7 Pro में दोस्तों Dimensity का 1000+ वाला चिपसेट है, और यहाँ पर 120Hz का आपको रिफ्रेश रेट भी मिलता है, और इसका अंतुतु स्कोर भी काफ़ी ज़्यादा है दोस्तों। तो यहाँ पर आप हाईएस्ट सेटिंग पर दोस्तों वेरी हाईएस्ट सेटिंग पर आप कोई भी गेम दोस्तों खेल पाएंगे। और यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा कूलिंग सिस्टम भी दोस्तों देखने को मिल जाती है, जिसकी मदद से आपका फ़ोन जो है वो ज़्यादा हीट भी नहीं करेगा। और वहीं अगर Vivo V20 Pro की बात करें, तो यहाँ पर स्नैपड्रैगन 765G वाला प्रोसेसर है, इसका अंतुतु स्कोर थोड़ा सा Realme X7 Pro से कम है, थोड़ा नहीं मतलब बहुत ज़्यादा ही कम है, और यहाँ पर आपको सिर्फ 60Hz का ही दोस्तों रिफ्रेश रेट मिलता है। तो यहाँ पर आप हाई सेटिंग पर ही दोस्तों गेमिंग कर पाएंगे।
लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर अच्छी गेमिंग नहीं कर पाएंगे, यहाँ पर भी आप गेमिंग दोस्तों काफ़ी अच्छी कर पाएंगे, लेकिन Realme X7 Pro जैसी आपको गेमिंग यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर परफॉर्मेंस के मामले में दोस्तों क्लियर विनर है Realme X7 Pro। इसके अलावा दोस्तों अगर अदर फीचर्स की हम बात करें तो दोनों ही मोबाइल में आपको कैमरा टू API का सपोर्ट देखने को मिलता है, जिसकी मदद से आप GCam दोस्तों दोनों ही मोबाइल में यूज़ कर पाएंगे, और दोनों ही मोबाइल में गाइस आपको वाइडबैंड L1 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो ये सारे स्पेसिफिकेशन दोस्तों आपको Realme X7 Pro और Vivo V20 Pro में देखने को मिलते हैं। तो इस वीडियो में मैंने इन सभी को दोस्तों इंक्लूड कर लिया है। तो अब आप दोस्तों चूज़ कर सकते हैं कि इन दोनों मोबाइल में से आपके लिए कौन सा मोबाइल अच्छा होगा। और यहाँ पर मैं अगर अपना ओपिनियन दूँ तो अगर आपको दोस्तों एक कैमरा के लिए फ़ोन चाहिए तो डेफिनेटली आप Vivo V20 Pro की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि इसका कैमरा दोस्तों काफ़ी अच्छा है Realme X7 Pro से। और अगर आपको एक दोस्तों हाईएस्ट परफॉर्मेंस वाला फ़ोन चाहिए, आपको एक गेमिंग फ़ोन चाहिए, तो दोस्तों आपको Realme X7 Pro खरीदना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस काफ़ी दोस्तों हाई देखने को मिल जाता है एज़ कम्पेयर टू Vivo V20 Pro। तो आप मुझे दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको इन दोनों मोबाइल में से कौन सा मोबाइल अच्छा लगा है, क्योंकि प्राइस दोस्तों दोनों का ही सेम है दोस्तों 29,999। खैर वीडियो कैसा लगा है वो भी दोस्तों वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और बहुत मेहनत की है गाइस इस वीडियो को बनाने के लिए, तो एक लाइक तो दोस्तों बनता ही, और साथ में यार ऐसे और भी वीडियोस फ्यूचर में पाने हैं तो चैनल को यार सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।